नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्षमता क्लासेस में। तो आपको पता होगा, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, कि हम लोग जो है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्सेज चला रहे हैं। तो आज मैं क्लास 10 के लिए मैथ्स का जो यूनिट है लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स, उसको मैं डील करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर करूंगा, जो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम्स में। और अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज होंगे तो भी आपको ये वीडियोस देखने से क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं बता दूं, मेरा नाम अभिषेक है। चलिए चालू करते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसमें एक टर्म लिखा हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? तो आप देखते होंगे कि आपने तो पढ़ा होगा आप सब कुछ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब होता है कि, इक्वेशन का मतलब आप देखिए, जैसे आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दो इक्वेशन दिया रहता है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर a1 b1 और c, और इसी तरह a2 b2 a2x b2y और c2 is equals to 0। इस तरह के आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। तो ये जो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं ना, तो आप अगर इनमें, जैसे सपोज कर लीजिए, एक इक्वेशन मैं बताता हूँ, 2x plus 3y is equals to 6 दिया हुआ है मान लीजिए। तो आप इस इक्वेशन से जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा। उसके बाद में जब आखिरी वीडियो में कवर करूंगा, जैसे अब ये सीरीज चलता रहेगा, तो मैं ये वीडियो जब कवर करूंगा आपको आगे, तब मैं बताऊंगा कि आपको ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करते हैं। आप बहुत आसानी से सीख लेंगे इन सब चीज़ों को। चलिए तो चालू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स, तो देखिए आपको यहाँ हर बार जो क्वेश्चन होता है, आपको क्या निकालने के लिए कहा जाता है, इस तरह से लिखा रहता है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड y, इस तरह से लिखा रहता है। तो यही दो वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो जो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एक और मेथड है जो कि क्रॉस, जिसको कि हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के बारे में। देखिए, एग्जाम्स में सवाल आपके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लिख कर नहीं आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, तो वहाँ साफ साफ उन्होंने मेंशन कर दिया है कि सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास x और y के फॉर्म में दो इक्वेशंस होंगे, तो इन x और y के फॉर्म में इक्वेशन होंगे, तो आपको दोनों इक्वेशन को, आपके पास दो इक्वेशन होंगे, तो उन दोनों इक्वेशन में मान लीजिए कि ऐसे है, x plus y बराबर 1 है और एक 2x plus 3y equals to 5 है। तो आपको जैसे यहाँ पर क्या करना है कि x बराबर आप 1 minus y रखते ले सकते हैं, और इस 1 माइनस वाई को आप x के जगह जब पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। मतलब कि दो वेरिएबल को हमको किस में चेंज कर देना है? सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देना है। और ये जब सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, तो आप आसानी से जैसे इस वैल्यू को देखेंगे, y के टर्म में आ जाएगा, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, और आप जैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे फिर यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। तो कैसे हटाएंगे? मान लीजिए कि आपके पास दो इक्वेशंस यहाँ पर, जैसे x plus y बराबर 1 है और 2x plus 3y equals to 5 है। तो आप इसको कैसे हटाने की कोशिश करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि किसी x या किसी y को, दोनों जैसे आप x है, तो आप यहाँ अगर आप देखें कि अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2x 2y और इधर 2 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का टर्म जो है, उसका जो कोफिशिएंट है, दोनों बराबर हो गया। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटाऊं या इस इक्वेशन में से इसको घटाऊं, अगर मैं घटाऊंगा तो क्या होगा, x इलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y। और जब y निकल जाएगा, तो y निकालने के बाद फिर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे,
x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में चलेंगे। देखिए आपके पास ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि ये सीबीएसई 2004 कंपार्टमेंट एग्जाम और 2005 में लगातार पूछा गया है ये सवाल। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आपको पॉइंट देखकर घबराना नहीं है, ये इक्वेशंस को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप देखिए, अगर मैं इस इक्वेशंस को ऐसे लिख दूं, 4/10x माइनस 15/10x और 65/10 लिख देता हूं, तो आप देखिए कि ये इक्वेशन कितना सरल हो गया। अब क्या होगा, अब ये 10 इधर से कॉमन लेकर इसके साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 4x माइनस 15y = 65। ठीक है, तो उसी तरह से मैं दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो क्या लूंगा मैं, 3/10 और ये हो जाएगा x, उसी तरह 2/10 ये हो जाएगा y और = 9/10। उसी तरह से आप 10 को कट कर दीजिए, तो 3x plus 2y equals to क्या बच गया, 9 बच गया। अब मैं इन इक्वेशंस को, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा हर क्वेश्चंस में, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। अब देखिए, अब मैं इन इक्वेशंस को लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा। आप देखिए, अब यहां पर दो मेथड था मेरे पास जैसा कि मैंने बताया, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, या तो x की वैल्यू, जैसे अब मैं पहला मेथड लेता हूं, पहला मेथड मैंने क्या बताया, इलिमिनेशन मेथड। तो इसमें इलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा, मुझे हटाना होगा। कैसे हटाएंगे हम, तो आप देखिए कि अगर मैं, आप यहाँ देखिए 4 है और ये 3 है, आप चाहें y को भी इलिमिनेट कर सकते हैं, x को भी इलिमिनेट कर सकते हैं। मैं आपको किसी क्वेश्चंस में y इलिमिनेट करके भी बता दूंगा, ठीक है। आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला इक्वेशन का x कोफिशिएंट हो या y का कोफिशिएंट हो उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए, अब आपका इक्वेशन कितना आसान फॉर्मेट में हो जाएगा। तो आप देखिए, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4 3 12x माइनस 45y और 65 × 3 कर दीजिए, तो 5 3 15 36 18 और 1 19 हो गया। उसी तरह से 12x प्लस 8y = 36 हो गया। अब इसी इसको इलिमिनेट कैसे करेंगे, घटा देते हैं, तो जब मैं घटाऊंगा तो दोनों, तो हम कहां पर, सभी जगह देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x तो इलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, -45y -8y और ये कितना आ जाएगा, 195 -36। अब आप 8 5 कितना होता है, 13, तो -53y और 195 में से 36 घटा दीजिए तो ये आ गया 9 और 8 में से 3 गया 5 159, तो 53 को 3 बार में चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब आप x कैसे निकालेंगे, तो इस y की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में आप अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, x निकल जाएगा। तो देखिए 4x माइनस 15y कितना था आपके पास, 65 था। तो अब अगर मैं यहाँ पर y की जगह कितना रख दूँ, -3 रख दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, तो 4x = 65 और यहाँ देखिए इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये इधर आके घट जाएगा, तो 4x = 20 आ जाएगा, तो ये 4 5 20 हो गया, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब मैंने ये देखा है कि कई लोगों को ये दिक्कत होता है कि ये माइनस प्लस माइनस ये कैसे लिखते हैं। देखिए इसमें कुछ, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल करते क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटा देते हैं। तो आप अगर घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो घटाएंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे जो मेन इक्वेशन होगा, और 195 माइनस 36 लिखेंगे। तो आप देखिए, अब अगर जो जो साइन प्लस था वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो आप देखिए रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो आपको ये कितना आ जाएगा, 159 आ जाएगा। अब ये 12x है, 12x चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -53y = 159 और ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से दिक्कत होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए आपका पहला आंसर कितना आ गया, x = 5 और y = -3। तो ये तो था पहला मेथड, जिसको कि हम लोग क्या बोले थे, एलिमिनेशन मेथड। अब मैं आपको इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से बना के दिखाता हूँ। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन से ये कैसे बनेगा। देखिए मैंने इक्वेशंस को बदल लिया था, वो कौन कौन से इक्वेशन थे,
4x minus 15y is equals to 65. 4x minus 15y minus 15y is equals to 65. और दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x minus plus 2y is equals to 9. तो देखिए मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है इस इक्वेशंस को देखिए, मान लीजिए ये ए इक्वेशन है, ये बी इक्वेशन है. आप ए इक्वेशन को गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर ये काफी बड़ा लंबा सा है, तो आपको दिक्कत होगा सॉल्व करने में. तो मैं बी से किसी एक को निकाल लूंगा, जैसे 3x plus 2y is equals to क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है. तो 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 minus 2y. तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 minus 2y by 3 लिख सकता हूँ. अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो 4x minus 15y कितना है, 65 है. तो अब मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 9 minus 2y by 3 माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65. तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 9 चौके 36 और माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65 हो गया ये. अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, 36 माइनस 8y और माइनस 45y और उस 3 को उधर भेज दूंगा, तो 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15 6 3 18 19 हो गया. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 36 माइनस 53y बराबर 195 आ गया. अब माइनस 53y इज इक्वल्स टू, आप देख लीजिए 195 माइनस 36 जाएगा. अब इसको घटाएंगे तो 159 आ जाएगा. और फिर ये क्या करेंगे, ये तीन बार में कट जाएगा, तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई. तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है. अब आप x y इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस 3 रख दीजिए, तो 2 इंटू माइनस 3 बाई 3 तो ये हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस तो 9 और 6, 15 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 15 बाई 3 तो ये आपको मिल जाएगा 3 बचे 15. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. तो आई होप ये क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. देखिए आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कत महसूस किया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करें. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप एज यूजुअल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं या किसी और मेथड से भी कर सकते हैं. देखिए इसको बनाने के दो मेथड्स हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि मैं एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पर पहले बताता हूँ. देखिए आप यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड को बताता हूँ पहले. देखिए आप अगर आप एलसीएम लेंगे पहले इक्वेशन के लिए तो एक्स आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 4 + 3xy = 8. तो 4 + 3xy = कितना आ जाएगा, ये 8x आ जाएगा. तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8x माइनस 3xy = 4 लिख सकता हूँ. उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में देखिए, अगर आप एक्स, अब आप देखिए यहाँ एक्स वाई को आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो एक्स वाई को एलिमिनेट कर दीजिए. तो आपके पास यहाँ 4xy है तो इसके 4 के कोफिशियंट से गुना कीजिए. यहाँ 3xy है तो यहाँ 3 से करिए. गौर करेंगे एक बात की, माइनस साइन से कभी भी उसके कोफिशियंट को गुना नहीं करेंगे, ठीक है. तो देखिए तो अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 32x माइनस 12xy = 16 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 15x प्लस 12xy = 18, ठीक है. अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा. आप देखिए अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए. ऐड करने से क्या होगा कि आपका देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा और कटेगा तो ये क्या बचेगा, 17x = 8 और 6 = 14, 34 बचेगा. तो 17 2 times तो x की वैल्यू 2 आ गई. तो देखिए मैं आप यहाँ पर गौर करेंगे कि जिस जगह पर अगर प्लस माइनस आ जा रहा है मतलब इक्वेशंस आसानी से कट जा रहे हैं तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा. उसी तरह से अब आपको y निकालना होगा तो किसी भी कोई इक्वेशन में आप वैल्यू x का पुट कर दीजिए तो आपको y का वैल्यू निकल जाएगा. तो देखिए 8x माइनस 3xy = 4 था, तो 8 × 2 − 3 × 2 × y = 4 हो गया. तो 16 − 6y = 4, तो 6y = इधर 4 को ले आइए तो 16 में से 4 चला जाएगा 12, तो 6 × 2 = 12, तो y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई
2, तो यहाँ y भी 2 आ गया और x भी 2 आ गया। चलिए अब इसी को मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन जो मैंने लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, जिसको कि मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। ये कितना है आपके पास, 8x-3xy = 4 है और दूसरा क्या है, -5x-5x + 4xy = 6 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं यहाँ से x को कॉमन ले सकता हूँ, दोनों जगह, दोनों में से कहीं से भी आप निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस वाले इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5 और यहाँ पर क्या बचेगा +4y और ये होगा 6 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या बचेगा, 6/4y - 5 लिख देता हूँ। अब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा पहले वाले इक्वेशन में, तो ये कितना बन जाएगा, 8 × 6/4y - 5 - 3xy। तो आप देखिए यहाँ पर x के जगह भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर आप रख दीजिए x के जगह क्या रखेंगे, 6/4y - 5 और ये हो जाएगा (y) और ये हो गया (4). आप देखिए सारा का सारा इक्वेशन आपका किस में चेंज हो गया, अब गौर करेंगे कि आपका सारा इक्वेशंस y में चेंज हो गया है। अब आप 4y - 5 यहाँ पर LCM ले लीजिए तो ऊपर क्या बचेगा, 8 × 4 = 48 और ऊपर क्या बचेगा, 6 × 3 = 18y और ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 - 18y ये हो जाएगा 16y - 20 हो गया। तो अब देखिए अब आप 18 और 16, तो 16 को उधर 18 के साथ ले जाइए तो 8 और 6 = 14, तो ये हो गया 24y और 48 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास, तो 8 और 4 = 2 हो गया। तो अब ये देखिए 2 times कट जाएगा तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। और आप इसी को x के जगह x में जो आपने इक्वेशन निकाला था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये कितना बचेगा, 6 और 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 × 6। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और आप इसको खुद से घर में 1 से 2 बार जरूर बनाइए जिससे कि आपका माइंड मैप क्लियर हो जाए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा, मैं उसे चेक करूंगा, आप मुझे आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखता हूँ। आप देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बोला था कि उस ये जो सवाल था इसके पहले वाला, इसमें एक और मेथड से आप बना सकते हैं। तो चलिए वो जो दूसरा मेथड था उसको मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है कि 3a/x - 2b/y + 5 = 0 और एक क्वेश्चन बना हुआ है a/x + 3b/y - 2 = 0। तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के दो इक्वेशंस जो दिए हुए हैं इनमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता होगा कि इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशंस को दोबारा लिख दूँ तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, और मैं जो 5 है उसको इधर भेज देता हूँ। आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ = 2। तो देखिए हमको निकालना क्या है यहाँ से x और y, और उससे पहले एक और चीज बता दूं कि आप अगर क्वेश्चंस में देखेंगे तो कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ रहता है तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं है, आप एग्जाम में आए तो इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। इसका मतलब ये है कि जो x की आप वैल्यू निकालेंगे ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी और जो y है वो भी कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, बस यही इसका मतलब होता है। अब देखिए आप कि अब हमको यहाँ से x और y कैसे निकलेगा, अगर मैं LCM लूंगा तो यहाँ पर ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी,
बन तो जाएगा सवाल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतने कॉम्प्लिकेशंस को झेल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि आसानी से 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। तो देखिए जो मेरा ये इक्वेशन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, 3a इंटू यू माइनस 2b इंटू वी, और ये इक्वेशन किसमें बदल जाएगा, a इंटू यू प्लस 3b इंटू वी। तो अब हमको यहाँ पर वैल्यू किसका निकालना होगा, u और v का निकालेंगे और आएगा किसके टर्म में, a और b के टर्म में। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, अब जहाँ पर x होता था वहाँ पर u और v आ गया है, तो काम वही करेंगे। आप चाहे इलिमिनेशन से बनाए चाहे सब्स्टिट्यूशन से बनाए। देखिए मैं इलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर a है, तो इसका कोफिशियंट 1 हो गया, तो आप यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिए और यहाँ 3 से कर दीजिए, तो जो पहला इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, 3a into u minus 2b into v, और ये हो गया minus 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3a into u plus 3 जा 9b into v is equals to 3 जा 6। अब देखिए अब ये माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो आप देखिए ये सेम दिख रहा है, तो ये कट जाएगा। अब 9b और 2b माइनस और माइनस है, तो ये माइनस 11b into v हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस 11 हो जाएगा, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो बी और 11 से 11 को भी आप काट सकते हैं, तो जो आपके पास बी का वैल्यू आएगा वो कितना आ गया, 1/b आ गया। ठीक है, तो अब हमको बी तो निकल गया, लेकिन अब हमको निकालना क्या है, अब हमको यहाँ से निकालना है यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू के लिए हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे बी का वैल्यू, तो 3a into u minus 2b into v के जगह 1/b रख देंगे और इधर माइनस 5 है, तो आप देखिए b से b कट गया, तो 3a into u बराबर माइनस 5 इधर आएगा, तो ये प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 3। अब ये 3 से ये भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी जो आपके पास यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि u की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस 1/a के बराबर आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको तो निकालना था x और y, तो हम x और y के टर्म में आंसर लेंगे। तो आप x और y कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए हमने क्या माना था कि 1/x क्या था, u के बराबर था, तो 1/x, तो u की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/a है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस है। उसी तरह से आपको हमने क्या माना था, v माना था, तो अब 1/y = v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/b है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल गया कि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। अब आप इसी इक्वेशंस को आप जरूर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाकर देखें। अगर एग्जाम में नहीं आता है लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, एलिमिनेशन से बनाइए या क्रॉस से बनाइए, तो आप बेझिझक किसी भी मेथड को अप्लाई कीजिए। इससे पहले मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस में दोनों मेथड से बताया, अब आप अपने से घर में ट्राई करेंगे और उन आंसर से मैच करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चंस में देखते हैं, ये भी एक पैटर्न है सीबीएसई का जो ये पूछते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, तो हम लोग इसको एलसीएम मेथड से नहीं बनाएंगे। एलसीएम मेथड से बनाने से एग्जाम में ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो आप देखिए कि जैसे ही हमको दिख जाए, अब हम इस इक्वेशंस को थोड़ा सा और मैं अलग फॉर्मेट में लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, 5 × 1/x - 1 प्लस 1 × 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो अब अगर मैं और दूसरे इक्वेशंस को लिखूँ तो 6 × 1/x - 1 और -3 × 1/y - 2 हो गया, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि आपको देखना क्या है, जैसे आप 1/x को क्या माने थे पिछले बार, u माना था, तो आप देखिए ना यहाँ पर भी 1/x - 1 है, 1/x - 1 है, यहाँ पर y के साथ y - 2 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो ये पूरा का पूरा कोफिशियंट के साथ जो x की वैल्यू दी हुई है और y के साथ दिया हुआ है, तो इस टोटल टर्म को हम u भी मान लेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1/x - 1 को u मान लेंगे और 1/y - 2 को v मान लेंगे। तो आप देखिए अब मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा,
अब मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा देखिए आप। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ 5u प्लस 1 था तो सीधा सीधा u लिख देता हूँ, ये v लिख देता हूँ और ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पर 6 और इंटू 5 कर देता हूँ तो आप ये इक्वेशन बन जाएगा 30u प्लस 6v बराबर 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30u माइनस 5 3 15 भी इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब ये कट जाएगा तो 15 और 6 हो जाएगा 21 भी 12 में से 7 जाएगा तो 7 हो गया तो 7 3 21 तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। तो आप यहां से फिर u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दीजिए तो 5 इंटू यू प्लस वी की जगह 1/3 पुट कीजिए, इधर 2 था तो 5 यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1/3 आ जाएगा तो 2 माइनस 1/3 आ गया। तो अब आप यहाँ से u की वैल्यू निकालिए, 3 × 6 में से गया 5/3 तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया तो u की भी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई लेकिन हमें निकालना क्या था, x और y निकालना था। तो हमने क्या लिया था, हमने 1/x-1 को क्या माना था u माना था। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3 तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x-1 3 के बराबर हो गया तो x बराबर आ गया 4 आंसर आपका। उसी तरह से हमने क्या माना था 1/y-2 को v माना था तो अब यहाँ पर v के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y-2 बराबर v के जगह क्या पुट कर देंगे 1/3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए तो y-2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2 मिलके 5 आ गया। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, मैंने आपको इलिमिनेशन से बता दिया और पीछे मैंने मेथड भी बता रखा है। तो आई होप इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिख कर बताइए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, ये कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो सिचुएशन था वो एक्स वाई के साथ साथ यहाँ पर कोफिशिएंट भी लगा दिया है। लेकिन अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर दूंगा, अप्रोच वही रहेगा लेकिन देखिए इसमें मैं अलग कर देता हूँ इसको, 1/2 को अगर मैं अलग कर दूँ तो ये क्या दिख रहा है 1+3। आप यहाँ करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ ये क्या है 2x+3y, ठीक है। तो ये कितना है मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए ये आपका क्या था 2 × 2x+3y, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा 2 × 2x+3y। और उसी तरह से इसको मैं अलग कर देता हूँ 12 × 12/7 अलग कर देता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1/3x-2y = 1/2। उसी तरह से इसको मैं लिखूंगा तो 7 × 1/2x+3y और इसको लिखूंगा तो 4 × 1/3x-2y = 2 हो जाएगा। अब देखिए आप देखेंगे तो ये वाला क्या था, यही तो x था और यही क्या होता था y होता था। तो हम क्या करेंगे, अब ये x और y दोनों के फॉर्मेट में दिया है तो अब इस टोटल टर्म को हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे क्योंकि देखिए दोनों जगह पे सेम है 2x+3y और 2x+3y, ये कंडीशन होना चाहिए नहीं तो आप नहीं मान सकते। तो अब हम क्या करेंगे 1/2x+3y को क्या मान लेंगे a मान लेंगे और 1/3x-2y को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो आप देखिए अब जो मेरा इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर कितना छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a+12/7b = 1/2। अब मैं इसको और थोड़ा सा सहूलियत कर दूं तो ये हो जाएगा 7a+24b और 7 × 14 तो यहाँ आ जाएगा 7, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे तो 7a+4b = 2 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर तो आपको यहाँ पर भी सेम कोफिशिएंट मिल गया तो आप सीधे इसको सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पर
ये 7a से 7a कट जाएगा तो 24 में से 4 जाएगा आपके पास बचेगा 20 भी, 7 में से 2 जाएगा 5, तो 5 चौके 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आप b निकाल लिए तो आप a भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कीजिए तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 7a प्लस 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 7। तो आप देखिए कि 7a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7a प्लस 24b इज इक्वल टू 7 का, और b की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास, 4 आ रही थी। तो अब आप इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, सब्सटीट्यूट करने पर देखिए आपको कितना मिल रहा है, सॉरी मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पर, चलिए देखिए ठीक है। आप एग्जाम में बहुत केयरफुल होकर बनाएंगे, b की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो अब मैं b के जगह 1/4 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, तो 7a प्लस 24b इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, तो 7a प्लस 24 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, तो 4 6 24, तब ये क्या हो जाएगा, 7a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो आप देखिए 7a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/7, लेकिन हमको तो x और y निकालना है, तो हमने क्या माना था, 1/2x प्लस 3y को हमने क्या माना था, a माना था, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो 1/2x प्लस 3y की वैल्यू a के जगह हम रख देंगे 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि x और y के फॉर्म में होगा। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन बनाइए, दूसरा इक्वेशन क्या माना था हमने कि 1/3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू b था। तो अब आप यहाँ से b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कीजिए, तो b की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कॉफिशेंट्स इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 यहाँ 2, तो जो इक्वेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 21, और ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो 6x से 6x कट जाएगा, 9 में से 4 गया 5y, और 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 और 3 कहाँ गलती हो गया यार, कट ठीक है। देखिए इधर तो आप 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13y, और 21 और 8, 21 में से 8 जाएगा तो 13, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना आ गया, y 1 आ गया। तो आप x कैसे निकालेंगे, तो किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप, तो 2x प्लस 3y बराबर 7 है, तो 2x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 7, तो 2x इज इक्वल्स टू 4, तो 2 गुना के 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप इस क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आपका इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक बहुत ही तरीके से बताऊंगा। आप देखिए आपके अगर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको अगर नहीं लिखा हुआ है कि आप इलिमिनेशन से बनाइए या सब्स्टिट्यूशन से बनाइए या क्रॉस से बनाइए, तो आगे के वीडियोस में जब मैं क्रॉस को कवर करूंगा तो इस तरह के बहुत सारे मैं क्वेश्चंस लूंगा। तो आप कोशिश करेंगे एग्जाम में कि अगर कोई मेथड नहीं बोला है बनाने के लिए तो आप वहां पर क्रॉस से इन सबको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ एलिमिनेशन से बताता हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर लिख कर नहीं आते हैं कि आपको किससे बनाना है, तो आप डायरेक्टली क्रॉस मेथड से बनाइए। चलिए आप देखिए, आप यहाँ पर पहला इक्वेशन में देखेंगे तो ये कोफिशिएंट के बाद प्लस है और फिर ये वाई भी है, लेकिन आप यहाँ पर गौर करेंगे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो जब इस मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया, मतलब आप इसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में ये नहीं है, तो दूसरे वाले इक्वेशंस को पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि गलती अगर कम करना है तो जब भी एक से ज़्यादा ऐसा टर्म हो जाए ना, तो आप हमेशा इनको ब्रैकेट में डाल दिया कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। देखिए अब मैं इसको लिखूंगा तो ax plus ay plus bx plus by is equals to a square plus b square।
अब आप यहाँ देखिए कि ए एक्स के साथ बी एक्स बैठेगा तो कॉमन हो जाएगा एक्स, तो क्या बचेगा ए प्लस बी इंटू एक्स। उसी तरह से वाई के साथ क्या बैठेगा, ए अगर मैं वाई कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी इंटू वाई बनेगा और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब एक और इक्वेशन था तो उस इक्वेशन, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन हो गया। अब इक्वेशन नंबर टू को जो ऊपर में दिया हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ ए माइनस बी इंटू एक्स और प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर टू बन गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो मुझे आसानी से ये दिख गया कि यहाँ पर भी ए प्लस बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, मतलब अब मुझे यहाँ पर किसी तरह का कोई कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कॉफिशेंट सेम हो गया है। तो मैं सीधे इसको सबस्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए इससे क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो गया। अब मैं इसको लिखूंगा तो x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो ऊपर क्या बच रहा है a प्लस बी और नीचे क्या है माइनस ए ए माइनस बी है। आप प्लीज इसको जब भी एग्जाम में सॉल्व करें ब्रैकेट के साथ सॉल्व करें ताकि आपकी गलती होने के चांसेस कम हो। इसीलिए मैंने बताया था कि ब्रैकेट में आप हमेशा लें। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो आप देखिए एक्स के लिए अब मैं इसको लिखूंगा तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर खत्म हो गया और यहाँ से ए खत्म हो गया तो एक्स के साथ क्या बचेगा टू बी बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बचेगा। तो देखिए अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा टू बी इधर ले जाकर डिवाइड कर दूंगा तो टू ए बी बाई टू बी हो गया। अब यहाँ से एक बी और ये बी खत्म हो गया तो बचा क्या टू बी प्लस टू ए बाई टू। अब ये टू बी कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा ए प्लस बी। तो जो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना आ गया, जो मेरा x का वैल्यू है वो कितना आ गया ए प्लस बी आ गया। तो आप देखिए कि कितने आसानी से इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, नो डाउट। अब आप वाई से, अब इसको वाई निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं दूसरे वाले में क्योंकि मुझे दूसरा वाला दिखाई दे रहा है तो मैं यही पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन कितना था, ये इस तरह का इक्वेशन था। अब देखिए अब मुझे x की वैल्यू मिल गई है तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ कितना था a प्लस बी था और ये कितना था a प्लस बी इंटू वाई था और ये कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता है तो आप सीरियस ट्रबल में हैं, आप प्लीज़ फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए बार बार। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा a प्लस बी इंटू वाई और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी चला जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस टू ए बी बचेगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा और यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये आ गई y की वैल्यू और ये आ गई x की वैल्यू। तो आप यहाँ एलिमिनेशन से बनाएंगे तो ये ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा या क्रॉस से, क्योंकि आप अगर सब्स्टिट्यूशन से इसे बनाने बैठेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सीबीएसई कभी सब्स्टिट्यूशन से पूछेगा भी नहीं क्योंकि बच्चे को बनाने में ही फिर 20 मिनट का समय लग जाएगा एक ही क्वेश्चंस में। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इस तरह के वीडियोस आगे भी चाहिए। तो मैं ये क्रॉस कोर्स को कंटिन्यू रखूँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और मैं चैप्टर वाइज इसे कवर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो सारे के सारे करा दूँ। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो इस फाइल की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको सर्च करना है आपके टेलीग्राम में जाकर ABHIGHQ ये टाइप करना है तो आपको मेरा एक तिरंगे के साथ आपको मिल जाएगा और आप वहां पर जाकर इस PDF को अवेल कर सकते हैं।
थैंक यू।